नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पिछली डिटेल वीडियोस में डिस्कस किया है अब हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन आइए स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ खिलाएगी जब हम रेसिप्रोकर लें टर्म्स का तो वो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आर्थोमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएं जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं द सीक्वेंस वन वन बाय थ्री वन बाय फाइव वन बाय सेवन इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस दियर सिंस देअर जो रेसिप्रोकर होगा अगर हम इन टर्म्स का रेसिप लें तो क्या आएगा वन

लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स एंड एच बी देयर हार्मोनिक मीन अगर हमारे पास ये क्या होंगे अगर मैं कह रही हूँ ए एच और ये जो हमने लिए है, A, H, B, जो हैं ए एच बी जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमने लिख लिया तो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता है आर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ इसको सॉल्व कर लूँ यहाँ पे क्या करूँ मैं इसको वन ओवर एच मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू यानी हार्मोनिक मीन की क्या वैल्यू आ जाएगी एच इज इक्वल टू टू ए बी ओवर ए प्लस बी इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स अगर हमारे पास क्या है एच वन एच टू एच थ्री अप टू सो एंड एच एन आर कॉल्ड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ ए एच वन एच टू अपू एच एन एंड बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ़ यू वॉन्ट टू इंजर्ट एन हारमोनिक मीन बटवीन ए एन बी वी वस्ट फाइंड एन हार अर्थमैटिक मीन्स अगर हमने कोई भी हारमोनिक मीन्स फाइंड करने हैं बटवीन ए एंड बी तो हम क्या करेंगे अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे बटवीन ए एन बी फिर हमारे पास क्या है उसका रेसिप्रोकर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हारमोनिक मीन आ जाएगा इस प्रोसीजर को हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्या है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन आर्थोमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन हमारे पास हमने ये तीनों मीन्स डिस्कस किए इनके के दरमियान जो रिलेशन होता है आइए उसको डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या है तीनों के अलग अलग फार्मूले आप अपनी स्क्रीन पर लिखे हुए देख सकते हैं पहला फार्मूला क्या है आर्थोमेटिक मीन का दूसरा फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का और थर्ड फार्मूला है हार्मोनिक मीन का अब हम क्या करते हैं इनका रिलेशन फाइंड करते हैं अगर मैं क्या करूँ ए को मल्टीप्लाई कर दूँ एच से ए को मल्टीप्लाई किया मैंने एच से ए का फॉर्मूला लिख दिया इसी तरह एच फॉर्मूला लिख दिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे a plus b a plus b क्या हो रहा है कैंसिल और यहाँ से 2 2 कैंसिल तो ये किसके बराबर आ रहा है a h की वैल्यू किसके बराबर आ रही है ab और ab अल्टीमेटली किसके इक्वल होता है g² के तो इनका जो रिलेशन आ गया है वो क्या आ गया है a क्रॉस h g² अब हमारे पास कुछ केसेस हैं कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आर्थमेटिक मीन में कौन सा ग्रेटर होगा तो इस केसेस को डिस्कस करते हैं केस 1 हमारे पास क्या है अगर हमारे पास क्या हो ए बी एनी टू डिस्टिक पॉजिटिव रियल नंबर्स हों अगर हमारे पास क्या हो ए बी टू एनी डिस्टिक पॉजिटिव रियल नंबर्स हों तो हमारे पास क्या होगा हमेशा आर्थमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से जिसको आप अपनी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं केस टू हमारे पास क्या है अगर ए एंड बी आर एनी टू डिस्टिंक नेगेटिव रियल नंबर्स डिस्टिंक का क्या मतलब है अगर ए माइनस वन है तो बी माइनस टू का बी माइनस वन नहीं हो सकता डिस्टिक नेगेटिव रियल नंबर्स हों तो हमारे पास हमेशा जो है वो क्या होता है आर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से कम होता है आर्थमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन हमने हार्मोनिक मीन और उसके फार्मूलाज डिस्कस किए थैंक यू